गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से आए हैं और आपको हम आज बताएंगे इसमें 10 वर्ड हमारे आज 12 है इसमें से, जिसमें से दो बच रही थी तो मैंने कहा इसको शामिल कर लिया जाता है। और आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ द डे, आपका जो दिन होता है यानी कि एक 24 घंटे का जो हमारा समय होता है एक दिन का, उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं और हम उसको पढ़ते हैं, कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी आफ्टरनून, कभी नून, कभी मिड, ये सारी चीज़ें वाले जो पार्ट हम लोग याद करते हैं, ये किस टाइम से लेकर किस टाइम तक डिवाइड किया गया है और कितने पार्ट एक हम 24 घंटे को कितने पार्ट में मैक्सिमम डिवाइड किए हुए और जिसको हमको कुछ जानते हैं कुछ जानते भी नहीं। तो चलिए आइए हम आपको आज सिखाते हैं। चलिए भाई, तो देखिए आपका पहला नंबर जो दिया गया है, जैसे हमारा जो 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का मान लीजिए आप एक ये सर्कल है, क्या है आप ये के सर्कल है, ठीक है, घड़ी बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, घड़ी, ठीक है, घड़ी हमने बना दिया भाई। जैसे हमने यहाँ पे भाई 12 बजा दिए, ये देखिए यहाँ पर आपका 9 हो गया, यहाँ पर आपका 3 हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया, ठीक है, मैंने इसको कुछ इस प्रकार डिवाइड कर दिया है, क्लियर है। और बीच बीच में अगर लिखना है तो 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 10, 11 हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, 24 घंटे को 24 घंटा हमने बना दिया इसमें, ठीक है, बिल्कुल। इसमें हालांकि 12 ही घंटे हैं, 1 से लेकर 12 तक, बट इसको दो राउंड कर देंगे हम लोग, ठीक है, इसको मान लीजिए पूरे 24। देखिए कैसे आपका दिया गया है DAWN, डॉन, इसको नहीं पढ़ना है, ये डॉन है आपका, ठीक है। ऊषा काल होता है, ऊषा काल मतलब होता है आपका सूर्य नहीं निकला होता, ठीक है, लेकिन उजाला होने लगता, अंधेरा हट करके जब उजाला होने लगता है, जैसे आप कभी 5 बजे उठे हो, 5 या 5:30 बजे, इस समय क्या है कि 5:30 पर अगर आप जगो 6 बजे के पहले, सूर्य निकलने से पहले, आप देखोगे एक ऊषा काल होता है, यानी कि एक प्रकाश सा निकलता है, लेकिन सूर्य नहीं निकला होता, बट दिन होने लगता, उस समय को हम क्या कहते हैं, ऊषा काल कहते हैं, ठीक है। यानी ये समय आपका जो होता है लगभग कितना मान सकते हैं आप, ये 5:30 से लेकर के जब तक सूर्य नहीं निकलता, सूर्य यानी कि मान लीजिए 7 बजे 6:30 निकलता है, तो हम इसको 6:30 यानी कि 1 घंटे का समय हम इसको ऊषा काल को दे सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। आया समझ में ऊषा काल। अब देखिए सनराइज मतलब सूर्योदय, जब सूर्य निकलता है, मान लीजिए अगर 6:30 बजे निकलता है या 7 बजे निकलता है, तो वही जो टाइम आपका है, ठीक है, ये जो आपका टाइम है यही आपका सूर्योदय का समय है, जब सूर्य निकलता है, स्टार्ट हो जाता है निकलना, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए डे ब्रेक मतलब होता है, डे ब्रेक मतलब सूर्योदय, इसमें भी दिया गया, लेकिन ये होता है आपका डे ब्रेक यानी कि दिन का आधा। तो दिन का आधा कहने का मतलब आपकी 12 घंटे की रात हुई, 12 घंटे के दिन। अब जो आपका रात 12 घंटे तो बीत गई, अब आपकी जो दिन होने वाला है तो अगला 12 घंटे है। 24 घंटे को भाई दो पार्ट में हम बांटते हैं, दिन और रात में, तो क्या हुआ 12 घंटे। अब 12 घंटे की रात बीत करके जब सूर्योदय होगा तो डे का एक पूरे दिन का आधा होगा, तो डे ब्रेक मतलब सूर्योदय जब होगा वही आपका, तो टाइम आपका ये सेम रहेगा, क्लियर है, यस। अब देखिए उसके बाद जैसे सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया, ठीक है, तो सूर्योदय का तो एक पार्ट था, फिर मॉर्निंग हमारा कब से लग जाता है, तो मॉर्निंग हमारा प्रातःकाल, प्रातःकाल मतलब सुबह जब हम उठते हैं, उठते नहीं कि हम 10 बजे उठे तो वो उसको मान लेंगे, बट एक हमारा 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद जब एएम लग जाता है तो हमारा मॉर्निंग में आता है, बट स्पेशली हम रात को मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, जब बोलते हैं 6 बजे के बाद जब हमारा सूर्य उदय हो जाता है, उसके बाद जो हमारा होता है वो मॉर्निंग में आ जाता, मॉर्निंग हमारा रात को ही चालू हो जाता है 12 बजे के बाद, बट हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं जो मॉर्निंग, तो इसको आपका टाइम अगर हम दें तो 12 बजे के बाद, 12:01 से एएम से लेकर के 11:59 एएम तक आपका जो दोपहर का समय है उसको हम मॉर्निंग कह सकते हैं, इसी में मॉर्निंग में ही आपका सूर्योदय और ऊषा काल सभी शामिल रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका मॉर्निंग का टाइम है, प्रातःकाल का समय, क्लियर है इतना, यस। चलिए भाई MORNING मॉर्निंग मतलब प्रातःकाल, DAY डे, BREAK डे ब्रेक, सनराइज SUNRISE सनराइज। अगला हम देखते हैं फिफ्थ नंबर, फोरनून, क्या है भाई फोरनून, FORENOON, फोरनून के क्या होता है कि दोपहर से पहले का समय, मतलब जब आपके 12 बजने वाले होते हैं तो उसके पहले का समय, जैसे आप समझ सकते हो 10:10 AM से लेकर के 11:59 तक आप इसको
समझ सकते हो कि ये आपका दोपहर अभी नहीं हो, 12 बज जाएगा तो दोपहर हो जाएगा। ये जो आपका इधर का एक घंटे दो घंटे का समय होता है, सुबह ज़्यादा हो जाए दोपहर ना होने पर, उसके पहले का दोपहर से पहले का समय, या फिर 11 से 12 के बीच मान लीजिए, अगर आपको कम और करना है भाई तो 11 से 12 के बीच मान लीजिए, 11 से लेकर 11:59 के बीच, ठीक है, एक घंटे दे दीजिए आप, तो ये आपका दोपहर से पहले का समय। नून यानी होता है NOON, नून मतलब होता है दोपहर, करेक्ट 12 बजे, ठीक है, इसका टाइम क्या होगा 12 PM, ये आपका करेक्ट होगा, क्या होगा करेक्ट आपका ये समय हो जाएगा, क्लियर है, यस। अब देखिए भाई आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद का समय, 12 बजे के बाद का समय, इसको क्या कह सकते हो 12 PM से लेकर के, यानी कि 12 PM के बाद से, ठीक है, 12 PM से लेकर के कब तक, जब तक इवनिंग ना हो, इवनिंग हम लगभग हम लोग मानते हैं 4 या 5 बजे से, तो अगर 5 बजे से मानते हैं तो 12 से लेकर 4 तक जो आपका समय होगा वो क्या होगा आपका आफ्टरनून का होगा, दोपहर के बाद का, बाकी उसके बाद आपका इवनिंग हम लोग बोलने लगते हैं, तो इवनिंग अगर हम 3 से मान सकते हो या 4 से मान लो या 5 से मान लो, ठीक है, 4 समय स्पेशली चलो मान लेते हैं, क्योंकि 4 बजे भी हम मिलते हैं तो इवनिंग बोल देते हैं, बट धूप अगर ज़्यादा है तो हम 5 बजे तक बोलते हैं गुड आफ्टरनून चल जाता है हमारा, ठीक है, ये चीज़ होता है, तो हम यहाँ पे हम 5 कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, तो 5 हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, 5 बजे से लेकर के अब इवनिंग कब तक चलेगा, जब तक आप सो नहीं जाएंगे भाई, रात के 11:59 PM तक, यानी कि अगर आप किसी से 11 बजे भी मिल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे भाई, उसको गुड नाइट तो कहेंगे नहीं, जब मिलेंगे किसी से तो हम गुड इवनिंग ही बोलेंगे, जब उससे विदा लेंगे तो हम क्या कहेंगे गुड नाइट। सनसेट का मतलब क्या होता है भाई, सनसेट का मतलब सूर्यास्त का समय, जब आपका सूर्यास्त होता है, यानी कि जब सूर्य डूबता है, अब वो चाहे 6 बजे शाम को हो या 5:30 बजे हो या 6:30 बजे हो, तो जो सूर्य का डूबने का समय होता है, जैसे हम मान लेते भाई 6 से 6:30 के बीच, 6 PM से लेकर के 6:30 PM डूब जाता होगा लगभग, ठीक है, बिल्कुल, तो ये हम सूर्यास्त का समय मान लेते हैं। गोधूलि का समय, गोधूल नहीं होता है कि इस समय ये गोधुलिया का समय है गांव में बोलते हैं, और इस समय कुछ भोजन वगैरह नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा अशुभ माना जाता है, तो गोधूल का समय होता है सूर्यास्त के बाद और अंधेरा होने के पहले, सूर्यास्त के बाद सूर्य डूब गया हो और अंधेरा ना हुआ हो, ठीक, वो जो आपका उजाला होता है उसको हम गोधूल का समय कहते हैं, ठीक है, तो आपका ये सूर्य जैसे हमारा 6:30 डूब रहा है, तो 6:30 से लेकर 7 बजे तक हमारा क्या होता है अंधेरा हल्का कम होता है, ठीक है, अंधेरा ज़्यादा नहीं होता, तो 7 बजे तक, ठीक है। नाइट का क्या करेंगे हम, रात्र यानी कि आपका रात्र, तो ठीक है ये आपका 6 बजे जब से अंधेरा हो जाएगा तब से रात्रि हो जाता है, रात्रि क्या हो जाएगा जब से सूर्यास्त का हमने 6:30 माना है, तो 6:30 के बाद से रात को भाई पूरी रात हमारी सुबह जब तक मॉर्निंग हमारी सुबह 6 नहीं बज जाते हैं, जब तक हमारा ये ऊषा काल नहीं आ जाता तब तक हमारा क्या होगा भाई हमारी रात्रि चलेगी, ठीक है, लेकिन हम गुड नाइट नहीं बोलेंगे, गुड नाइट हम जब विदा लेंगे तब इवनिंग के बाद गुड नाइट का यूज किया जाता है, इसको भी मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए भाई मिड नाइट का मतलब होता है अर्धरात्रि, मतलब रात को 12 बजे, जब हमारा रात को 12 बजते हैं यानी कि आपका AM जैसे लगता है आपका करेक्ट AM, ठीक है, रात के जब हमारा होता है 12 बजता है करेक्ट, तो 12:01 पर AM हो जाता है या 12, तो 12 जब करेक्ट बजता है तो उसको आधी रात कहते हैं, 12 बजे रात को, हाँ, तो ये चीज़ हमने आपको सभी डिवाइड करके बताया। अब कब मॉर्निंग बोलना चाहिए कब इवनिंग, तो यहाँ पे कब गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें आपको हम अलग से भी बता सकते हैं, बट यहाँ पे भी जो हमने टाइम डिवाइड करने की कोशिश की तो इसको आप थोड़ा सा कैच करेंगे, ठीक है, बाकी आपका सब सही है। किसी वीडियो में मैं सेपरेट वीडियो में बता दूंगा आपको कि हम कब क्या बोलेंगे भाई, कब गुड मॉर्निंग, कब से कब तक और कब से इवनिंग और किसके बाद क्या बोला जाता है, ये सारी नॉलेज हम आपको दे देंगे। तो आई होप कि आपको ये पहले आप याद कर लीजिए इसको भाई, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे यूजफुल वीडियोज के साथ, आप तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, सभी को जय हिंद।